रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा था। बैंगलोर ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए। मुंबई की गेंदबाजों के आगे बैंगलोर की टीम फीकी पड़ गई। अमेरिया कर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, वहीं इसी वोंग और नेट सिवर ब्रंट को 2-2 विकेट का इशाक ने 1 विकेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर की शुरुआत खराब रही थी। पहले ही ओवर में सोफी डिवाइन 0 रन पर आउट हो गई। इसके बाद अमेरिया कर ने बैंगलोर को 3 झटके दिए। उन्होंने पहले कप्तान स्मृति मंदना को विकेट कीपर अस्तिका भाटिया के हाथों कैच कराया। मंदना 24 रन बना सकी। इसके बाद हीटर नाइट को वोंग के हाथों कैच कराया, वे 12 रन बना सकी। कनिका आहूजा को अमेलिया ने विकेट कीपर अस्तिका के हाथों स्टंप कराया, कनिका 12 रन बना सकी। नेट सिवर ब्रंट ने एलिस पेरी को LBW आउट किया, वे 38 गेंदों में 3 चौके की मदद से 29 रन बना पाई। वहीं श्रियंका पाटिल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, उन्हें भी नेट सिवर ने बोल्ड किया। मैग्न शूट को साइका इशाक ने LBW आउट किया, वे 2 रन बना पाई। वहीं 20वें ओवर में इसी वोंग ने ऋचा घोष को और दिशकसाद को आउट किया। ऋचा 13 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुई। वहीं दिशा 2 रन बना सकी।